बदली थी, बारिश हो गई थी, तो अभी ये कंटेनर सा पड़ा हुआ है, हम उसकी आ गए हैं अपना ओट में और यहाँ पे आकर हम अपना खाना बना रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने बना लिया, बस अब भून रहे हैं इसे। गाड़ी हमारी अब काफ़ी दूर है जिस जगह पे हम आ गए हैं इस जगह से, पर ये भी एक हिस्सा है हमारे इस ट्रिप का जिसका भी हमें मज़ा आया है। अगर सोचा जाए तो मज़ा है, अगर बंदा उसको थोड़ा स्ट्रेस में ले ले तो फिर इसका ज़ाहिर है बंदा कहता है परेशानी हुए, लेकिन हमने बारह दिन से इंजॉय किया है। हमारा खाना हो गया तैयार, बारिश में मुझे तो आ गया लेकिन बड़े मज़ा आ गया भाई। घर दियाँ छड़ियाँ ने ना उस्ताद पक्कियाँ रोटियाँ टेबल दे के जड़ियाँ लभ दियाँ लत्ता कट गया ये बेली मेरा ओदी बस हो गई ना मनीष जीत गया उधर नहीं गया सामने पत्थरों पे तो कह रहा मैं नहीं जाना फिर हम इधर ही खाना खाना शुरू हो गए बहुत ही मजेदार खाना लग रहा है देखते हैं वाह मिसाब खीर ही काट पड़ी है जनाब आगे चल पड़े ग्राउंड लगते हैं हम तेरी 5 मिनट पुरानी गल वाली मेनू नहीं याद रही लेकिन बस चल चोट नहीं मारी था ठीक हो गया आज जेड़ा भी अगले हुन एक एक लफ्ज हां याद होएगा ते फेर ही तेरी गल नु रिपीट मैं करा अगर एक लफ्ज हां या ना दी जगह ब्रैकेट च कोई और लग गया ते फिर मैं झूठ हो गया नहीं ओ झूठ हो जांदा मतलब वो तुसी घटा के भी ते कर सकदे हो और वधा के जदों भी करोगे ते ओ झूठ फिर हुन मैं लिख लिया करा तुहाडे कोल यार रिकॉर्ड कर लिया करा कोशिश जरूर कर ले यार मैं क्यों तेरे नाल आ जाना यार मैनू नहीं समझ आई मैं तेरे नाल आने नहीं चांदा मैं तेरे नाल अगू रखने नहीं चांदा भाई तू मैनू उस स्टेशन ते ला किते बारह यूरो कुर्बान कर दियांगा इसने पुरलोव से पहले 500 मुझे किन्नर गेल्ड नहीं आए इस हफ्ते में इस महीने मुझे किन्नर सोशलाग नहीं आया इस महीने मेरे बास वालों ने पैसे काट लिए तनख्वाह इसलिए डोजमान वाले ने निकलने से पहले ही 500 आपसे ले लिया था कि भाई साहब ये आपका एडवांस है। अनीस भाई ने सचमुच ही पुरलोव से 2 हफ्ते पहले बात सुना के मुझसे 500 सुपरवाइजर करवा ली अपने अकाउंट में तो अब बाद में अब कह रहे हैं कि मैं इनसिक्योरिटी रखी है कि पुरलोव पे मैं तंग करूं कहीं किसी जगह पे पैसे आधे पे ना करूं तो मैं उस 500 में से काट लूंगा और अल्लाह जानता है उसे 500 का सिर सदका है जेड़ा आज ਅਸੀਂ सलामत वापस जा रहे हैं नहीं 500 ना लिया था कल्या जा रहे होना ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆ ਬਸ ਫਲੈਕਸ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ 15 ਵਾਲੀ ਦੇ
या मितफार तो 500 दे मगर मैं थे उरलोब नहीं कर रहा मैं थे अपना 500 बचा रहे पहाड़ी तो किला इधर ओके बारे च लिखी आया कुछ हाँ जी ये मेरे ख्याल जर्मनी ये बुंडस रिपब्लिक हाँ ठीक हो गया है बॉर्डर गुजर आए इन डॉयचलैंड हाँ जी स्विट्जरलैंड से जर्मनी इस साइड से हम इन डॉयचलैंड हैं खाब चकना चूर हो गया अनलिमिटेड चलान वाला जो सानू शरारत आ रही है ना करेगी सानू तंग जनाब गाड़ी च बैठे बैठे नीस भाई दा मेरा बन रहा है कि देखने टिकट शिकट अगर बन जी कोई अबीजा बीच की स्पेन की नीस भाई कह रहा है कि अगर वीकेंड हम उधर को गुजार ले फिलहाल हम चेको चले जाए और वहां से एयरपोर्ट से अगर हम दो दिन के लिए स्पेन चले जाए और अबीजा बीच पे रहें और फिर हम इतवार की शाम को या सवार की सुबह को वापस आ जाए तो आप उसके लिए आप पार्किंग देख रहे हैं पार्किंग लगा के तो फिर टिकट्स वगैरह और पॉसिबिलिटी देखते हैं जहाज की तो अगली बात फिर मैंने की करना है नहीं तो फिर चेको सलवाकिया वगैरह का तो वो तो इरादा है ही है लेकिन ये ऐसे एक आइडिया सा आ गया कि शायद उधर वेदर अच्छा हो और अगर हम जा सकते हैं थोड़ा चीप भी हो क्योंकि हम चीप भी देखते हैं अच्छा भी और फन भी हो जहाँ पे ये तीन चार चीजें हम सामने रखते हैं वो चीपनेस देखते हैं चीपनेस हम जरूर देखते हैं क्योंकि हम दोनों इंजॉय कर ही रहते हैं बेशक मतलब वेदर वगैरह खराब भी हो या कुछ गाड़ी में बैठे भी हम तो गपशप लगा के एंजॉय कर लेते हैं लेकिन लार है जी हम चीप से चीप देखते हैं क्योंकि अभी हम स्ट्रगलिंग थे और मैं कोई इतना पुराने नहीं है जर्मनी में तो लार है सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है हमने नीस भाई कह रहे हैं पालमा दी मयोरका भी है स्पेन में उधर हम गए थे तकरीबन 3 साल पहले कोरोना से पहले साइड पे जो थी टाइम उस वाले साल गए थे बड़ा रश था बड़ा इंजॉय था उधर समंदर बड़ा प्यारा था बीच बड़े प्यारे थे तो हम जनाब आप प्लान के लिए कोई जगह देख रहे हैं अगर रुक के प्लान चलान करें इंटरनेट पे देखते हैं तो टिकट्स भी देखते हैं और ये अब हम पॉज़ भी करते हैं 5 मिनट का इधर इधर मैकडोनल्ड ला लो बेशक देखे ना सस्ता है मोटर वे तो 2.5 का लगता है और इधर कितना 2.5 है ये हां है 2.5 मोटर वे है लेकिन नहीं है पौना नहीं है पर सानू पड़ा है अगर असि पवा लिए तो हो सकता है सानू पड़ा ना पे जी हमने बड़ा ही इंचार्ज किया बड़ा ही सोचा है अपना बड़े टिकट वगैरह देखी है और स्पेन का बन जाए अबीजा बीच का तो या पालमा दी मयोरका का लेकिन वो मसला यही आ रहा है दो मसले आ रहे हैं एक तो
टिकट्स जो है वो बहुत ही महंगी हैं, 300-400 की एक बंदे की पर पर्सन की हो रही है टिकट। और नंबर दो होटल जो है वो एक एक रात का 300-300 यूरो का हो रहा है, और कम से कम वाला भी जो है 200 यूरो का हो रहा है, और हमें तकरीबन 3 रात उधर रुकना था तो वो हमें 1000 यूरो से प्लस का खर्चा आ रहा है दोनों का, तो इसलिए उसको हमने कैंसिल ही रखा है। लेकिन फिलहाल हमारा प्रोग्राम वो जो प्लस खाना पीना भी है और घूमना फिरना भी है, टैक्सी भी लेनी है, बस की टिकट भी है, उस वजह से 1200-1400 चाहिए, 700-800 पर पर्सन होना एक्स्ट्रा हो जाना, और हम अभी घूम के भी आ रहे हैं तो बजट आउट हो जाएगा, बजट आउट की वजह से फिर। हाँ जी बिल्कुल इस भाई की बात, असल हमारा ये प्रोग्राम था कि अटालिया में हम या तो रोम वाली साइड पे बीच पे साथ 500-600 किलोमीटर आगे जाते जाएंगे, या फिर हम माउंट पिलर वाली स्पेन वाली साइड की तरफ हम बीच के साथ साथ जो सड़क जाती है, एक सड़क देखी थी हमने, उसके साथ हम 500-600 किलोमीटर जाएंगे, वो हम उधर जाके सोचेंगे, हमने ये सोचा था। लेकिन वो वेदर खराब से 3-4 दिन जाया हो रहे थे हमारे, तकरीबन 278 किलोमीटर रह गया कैमनेट्स इधर हमने जाना है, तो 2 घंटे 48 मिनट का सफ़र दिखा रहे हैं अभी, सब बड़ा शानदार है, कितने बादल हैं। हम बेल्जियम गए थे 2-3 महीने पहले, तो उसके पास पिज़्ज़ा खाने गए थे जी हम वैसे ही बैठे थे, मैं कल मेरा काम था अगले दिन, तो दोस्त का फ़ोन आया बेल्जियम से, कहता पिज़्ज़ा बना रहा हूँ आ जाओ खा लो, तो नीज ने उससे जिद ही लगा ली, कहता हाँ आज खिला देगा, कहते हाँ जी आ जा खिला देंगे। उसी टाइम में गाड़ी निकाल ली जर्मनी से बेल्जियम को, 450-450 किलोमीटर पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं जी, पिज़्ज़ा खा के रात को घंटा को तो उसके पास और ठहरे 1.5 घंटे, तो वहाँ से जनाब वापस सुबह 6-7 बजे जनाब पिज़्ज़ा खा के वापस। अनीस भाई बहुत जज्बाती इस काम, जिस टाइम कहते ना चलिए तो फिर चलिए ही होता है, फिर ना नहीं सुनता मेरे से, फिर मुझे भी साथ लेके जाता है। अगले दिन हला मेरा काम था उससे, कहता आ जाएंगे पढ़ा दांगा तेनू, वो मैंने कहा अगर गाड़ी का दाना खास्ता खराब हो जाए कोई, कहता नहीं तेनू पढ़ा दांगा भावे चौक के ना छट के आना फिर। तो भाई बिल्कुल ना बबर शेर ही अनीस साहब, क्यों नहीं साहब जी जी बिल्कुल, काम थे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं ना, और पिज़्ज़े थे जिहड़ा बेल्जियम नहीं सी उधर भी नहीं सी बिल्कुल। और ये एक बड़ी भाई ने जीप बात कर दी, भाई ने इसने थकी बात कर दी, लेकिन थोड़ी थोड़ी गल दिल नु लगी, भाई कहता अगर वीडियो ब्लॉग बनाना है तो फिर मैं आधे आधे पैसे मारे नहीं होने, फिर होने हैं तुम्हारे सारे 100%। लेकिन मैंने कहा नहीं थोड़ा सा आगे बोर्ड दो मुझे, कोई थोड़ी सी रियायत भी तो दो ना, आगे बोर्ड कहते हैं मतलब क्या है उसको थोड़ा कंसेशन दो, तो फिर वो 30-70 पे बात डन हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि 50-50 पे काम रहे, लेकिन तियाँ तो मन है मैं तियाँ तो मैनू राजी, मैं उम्मीद करना कि राजी हो ही जावांगा। स्पीड खड़ी हो गई है जनाब, अनीस साहब ने फिर आ गई शरारत कि मैं हूँ 200 करना है मीटर, सानू सुटना ही। मैं कोई मठा जाकर थोड़ा जाकर
अपनी थोड़ा शानदार है और थोड़ा सा जो है ना सफर खेच रहे हैं हम जी। तो फाइनल हम पहुंच गए अपने दोस्त के घर, अंधेरा है तो इसलिए बाकी हम वीडियो जो है वो सुबह बनाएंगे। चला।